नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। शनिवार के सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन 12 जून का बुलेटिन आज सुबह 10 बजे जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। हमें लगा था कि 3 दिन पहले जो गुरुग्राम में नए CMO डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को लाया गया है, शायद कुछ बदलाव हो, शायद गुरुग्राम को बचाने के लिए कोई नई तकनीक निकाली जाए, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से देखें तो कोरोना के मामलों की रफ्तार वही है, जो बुलेटिन रिलीज किया जाता है उसकी रफ्तार भी वही है। समझ में ये नहीं आता कि जिला प्रशासन 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद ये आंकड़े क्यों रिलीज कर रहा है। आखिर इससे इसको बनाने में क्या समस्या आ रही है, जब हरियाणा स्टेट को जो बुलेटिन है, डिटेल्स हैं कोरोना पेशेंट्स की, वो शाम को 3 या 4 बजे भेज दी जाती है, तो गुरुग्राम मीडिया को वो 12 घंटे बाद या 16 घंटे बाद क्यों रिलीज की जाती है। इसके पीछे का तर्क जो है वो अभी तक समझ में नहीं आया है, और यही सवाल खोजने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब 12 जून का जो कोरोना आंकड़ा कहता है वो ये कि गुरुग्राम में 185 नए कोरोना के पेशेंट्स पाए गए, 185 लोगों की जो रिपोर्ट्स थी, सैंपल रिपोर्ट्स, वो पॉजिटिव पाई गई, लेकिन एक साथ में राहत भरी खबर ये थी कि 116 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं और उन पर निगरानी रखी जा रही है कि उनकी सेहत में कितना सुधार हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। इसके अलावा अब गुरुग्राम में अगर कुल केसों की बात करें तो कुल केस बढ़कर अब 2922 हो गए हैं, यानी कि 3000 के बिल्कुल करीब है हमारे गुरुग्राम में जो आंकड़ा होने वाला है। और पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो लगभग 50% जो केसेस हैं वो केवल और केवल गुरुग्राम से हैं। अब गुरुग्राम में जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो 975 हो गई है कुल, और इसके अलावा अगर एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस 1928 हो गए हैं। ये टोटल संख्या है गुरुग्राम में आंकड़ों की, और इसके अलावा 19 लोगों की अब तक इस कोरोना से मौत हो चुकी है। ये सब आंकड़े कहते हैं हमारे गुरुग्राम के। अब जो 12 जून को लोकेशंस आई हैं वो लोकेशन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं कि गुरुग्राम के किन किन इलाकों से जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो 12 जून को आए हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि गुरुग्राम में शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां से ये कोरोना के पेशेंट्स ना आ रहे हों, लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार हमें बता रहे हैं कि आपके इलाकों में जो केसेस आए हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए गए हैं, पिछले तकरीबन 8-10 दिनों से नई कंटेनमेंट लिस्ट भी नहीं आई है। जो पिछली कंटेनमेंट जोन की लिस्ट आई थी उसमें भी केवल 63 जगहों के जिक्र थे कि 63 इलाकों को जो कंटेनमेंट जोन है वो बनाया गया है, लेकिन पूरे गुरुग्राम में अगर देखें तो 200 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहां से ये कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको अभी तक कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है। तो समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि जिला प्रशासन की तैयारियां क्या हैं इसको, कोरोना महामारी को गुरुग्राम में बढ़ने से रोकने के लिए, जब कंटेनमेंट जोन ही नहीं बनाए जा रहे हैं, लोगों को आगाही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जागरूक तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो कंट्रोल कैसे पाया जाएगा इस कोरोना महामारी पर। अब मैं लोकेशन आप लोगों को बताता हूं धीरे-धीरे कि गुरुग्राम के किन-किन इलाकों से 12 जून को केसेस आए हैं। एक केस 4 मरला से आया है, एक आनंद गार्डन, 3 अशोक विहार फेस 2, एक केस बादशाहपुर, एक केस बलदेव नगर, 1 बर्फखाना, 2 बसई एनक्लेव, 3 बेगमपुर खटोला, 1 भवानी एनक्लेव, भीमगढ़ खेड़ी और भीमनगर, यहां से एक एक केस आए हैं। चकरपुर गांव से 5 मामले आए हैं, 1 कोरोना पॉजिटिव दयानंद कॉलोनी से आया है, 4 केस डूंडाहेड़ा से, 7 केस DLF फेज 1 से, 6 DLF फेज 3 से, DLF फेज 5 फ्रेंड्स कॉलोनी, गांधीनगर, ग्वाल पहाड़ी, हीरानगर, जैकबपुरा और झाड़सा गांव, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा ज्योति पार्क से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, कादीपुर और कन्हई से एक एक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा खांडसा से 3, खेड़की दोला से 2, लक्ष्मण विहार कृष्णानगर, लक्ष्मण विहार फेज 2, मदनपुरी, मालवी टाउन, यहां से एक एक केस सामने आए हैं। इसके अलावा मानेसर से 5 मामले हैं, नई बस्ती से 2, नरसिंहपुर, न्यू कॉलोनी, ओमनगर और पंचगांव, यहां से एक एक केस सामने आया है। इसके अलावा पालम विहार से भी 4 मामले आज सामने आए हैं, यानी कि 12 जून के आंकड़े बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब इसके बाद है पटेल नगर, पुलिस लाइन, प्रेम नगर, राजीव नगर, राजेंद्रा पार्क और राम विहार, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
सरस्वती एनक्लेव से 3 मामले सामने आए हैं, सेक्टर 10 से 1 मामला सामने आया है, सेक्टर 10 ए से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सेक्टर 12 ए सेक्टर 109 यहां से एक एक केस पॉजिटिव आए हैं, सेक्टर 14 से 4 आए हैं, सेक्टर 15 पार्ट 1 से 1, सेक्टर 15 पार्ट 2 से 3, सेक्टर 18 से 3, सेक्टर 22 से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सेक्टर 23 ए से 1 केस आया है, सेक्टर 31 से भी 1 आया है, सेक्टर 37 सी और सेक्टर 38 इन दोनों जगह से भी 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 4 से 1 मामला सामने आया है, सेक्टर 43 से 2 केस सामने आए हैं, सेक्टर 46 और सेक्टर 47 यहां से 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 44 और सेक्टर 45 यहां से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 48 से 6 केस सामने आए हैं, सेक्टर 49 से 3 मामले सामने आए हैं, सेक्टर 5 और सेक्टर 51 यहां से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सेक्टर 52 से 4, सेक्टर 54 से 3, सेक्टर 55 से 1, सेक्टर 56 से 3, सेक्टर 67 और सेक्टर 7 यहां से एक एक केस सामने आया है, सेक्टर 7 एक्सटेंशन से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सेक्टर 72 और सेक्टर 75 और सेक्टर 83 यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सेक्टर 9 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 9 ए सेक्टर 92 शक्तिनगर शीतला कॉलोनी शिवाजी नगर शिवाजी पार्क शिवपुरी यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साउथ सिटी 2 से 2 मामले सामने आए हैं, सूरत नगर और सुशांत लोक फेज 1 से भी 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा तेजस एनक्लेव उद्योग विहार फेज 1 और वजीरपुर यहां से भी एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये है कुल 185 लोगों के जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं सैंपल्स, उनकी रिपोर्ट्स कि किन किन इलाकों से ये आए हैं। अब बहुत से लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने रात में क्यों नहीं बुलेटिन किया। जैसे ही हमारे पास डिटेल आती है, आपने देखा होगा कई बार हमारे पास रात 10 बजे डिटेल आ जाती है, कई बार रात में 1 बजे आती है, कई बार 3 बजे आती है, आज सुबह आई है तो आप लोगों के लिए सुबह कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पास डिटेल आए हम तुरंत आप लोगों के लिए जानकारियां लेकर आते हैं। अब प्रशासन से ये सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर ये डिटेल्स इतनी लेट क्यों प्रोवाइड कराई जा रही है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, क्या आपके पास मैन पावर की कमी पड़ रही है? जो डिटेल्स पहले शाम को दे दी जाती थी 5 बजे, अब उसको 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे इतना लेट क्यों किया जा रहा है? अगर नए CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की बात करें तो वो नूह में तैनात थे और नूह में वो 3 बजे ही कोरोना अपडेट रिलीज कर दिया करते थे। क्या यहाँ आकर उनका वो जो मेथड था वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है? क्या जो उनकी टेक्निक थी वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रही है? जाहिर सी बात है, अगर उनका तबादला यहाँ किया गया है तो कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए ही किया गया है। तो हम तो हमारे गुरुग्राम वासी तो यही चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये केसेस जो बढ़ रहे हैं उन पर किसी तरह कंट्रोल पाया जाए और कोई नया कोई मेथड ऐसा ढूंढा जाए, कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए कि इन केसेस को बढ़ने से रोका जा सके। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, हम बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर आप बाहर निकल रहे हैं पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इसी तरह आप लोग अपने को और अपने आप को बचा सकते हैं। हमारी इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज बुलेटिन लेट आया है तो इसीलिए आप लोगों से अपील है कि पहले इसे शेयर कर दीजिए और ये जानकारी जो है वो हर किसी तक समय से पहुँच पाए। नमस्कार।